प्यारे साथियों, अग्निवीर योजना के तहत बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अभी अभी एक खबर आई है, नवभारत टाइम्स ने भी दिया है, हमने तो ये वीडियो कल ही डाल दिया था कि अग्निवीर स्कीम के तहत जो नौजवान ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो अग्निवीर हैं, जिनको 25% परमानेंट करना था, उनको अब 50% परमानेंट किया जाएगा। हमने ये वीडियो कल डाल दिया था, लेकिन कुछ यूट्यूबर ने आज वीडियो डाले हैं और नवभारत टाइम्स ने भी ये अपने मीडिया के अंदर छापा है। तो दोस्तों, जो नौजवान अग्निवीर योजना के तहत आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, जिनका सपना है अग्निवीर में जाने का, लेकिन उनको डर था कि कहीं 4 साल के बाद हमारे को बाहर न कर दिया जाए, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडियन आर्मी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से दरख्वास्त किया है कि इस 25% को 50% परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि 25% में सेना का काम नहीं चल रहा है। सेना के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिशेंसी है, 3 साल तक कोई भर्ती नहीं, और अब भी बहुत धीरे धीरे भर्ती किया जा रहा है। सेना का कहना है कि लगभग 1,78,000 सैनिकों की तुरंत भर्ती करनी चाहिए, क्योंकि सेना के अंदर लगभग 3 लाख सैनिकों की कमी है। पहले क्या होता था, हर साल लगभग 80-85 हज़ार सैनिक एक साल में भर्ती किए जाते थे, लेकिन 3 साल तक कोरोना आ गया, कोई भी भर्ती नहीं हुई, और अब जो भर्ती का प्रोसेस है वो बहुत धीरे किया जा रहा है, बहुत धीरे धीरे भर्ती किए जा रहे हैं, जिससे कि सेना के अंदर ड्यूटी करने में बहुत दिक्कतों का सामना किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों का अगर सपना है कि मुझे आर्मी में जाना है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर ये है कि अब अग्निवीरों को 50% कर दिया जाएगा। और एक खबर और बहुत अच्छी है, एज लिमिट को लेके, एज लिमिट 23 साल करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। आर्मी ने अपने लेटर के अंदर दो रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, दो मांग किया है कि ये दो होनी चाहिए। एक तो अग्निवीरों को 50% करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करना चाहिए, दूसरा एज लिमिट को बढ़ा देना चाहिए। जो टेक्निकल की भर्ती है उसके अंदर एज लिमिट 23 साल कर देना चाहिए। पहले क्या होता था, सिर्फ 23 साल ट्रेड्समैन, टेक्निकल, क्लर्क, SKT, इनका एज लिमिट 23 साल तक होता था, सिर्फ GD का 21 साल तक एज होता था, लेकिन अग्निवीर योजना के तहत सबका एज लिमिट 17.5 साल से लेके 21 साल तक ही कर दिया। तो इसके लिए बदलाव किए जाएंगे। जब आर्मी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्मी की मांग को मानना पड़ेगा। आर्मी ने जो लेटर के अंदर अपनी डिमांड रखी है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ेगा। इसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन इस आर्मी की जो दरख्वास्त है, आर्मी ने रिक्वेस्ट किया है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, आप लोगों का एज लिमिट भी अब 23 साल हो जाएगा और आपको 25 की बजाय 50% परमानेंट किया जाएगा। तो जो नौजवान इंडियन आर्मी के अंदर जाने का सपना देख रहे हैं, जिनका ख्वाब है कि हमें आर्मी के अंदर जाना है, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आपने भी सपना देखा है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर में आने की पूरी पूरी संभावना है, और फरवरी से आपके रिटन एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन। लेकिन बाकी कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ऑनलाइन ही फार्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, सबके लिए खुशी की बात यही है कि अब एज लिमिट भी बढ़ा दिया जाएगा और 50% परमानेंट कर दिए जाएंगे, और जो सरकार ने भर्तियों के ऊपर ज़्यादा रोक लगा रखी है, उन भर्तियों के ऊपर भी छूट दिया जाएगा, भर्ती जल्दी से जल्दी की जाएंगी। आर्मी ने डिमांड किया है कि हर भर्ती दफ्तर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीरों को भर्ती करके भेजा जाए, क्योंकि अभी अग्निवीर हर BRO के अंदर कम भर्ती किए जा रहे हैं, जैसा जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है उसी हिसाब से भर्ती किए जा रहे हैं। लेकिन आर्मी ने मांग किया है कि इन अग्निवीरों को और ज़्यादा भर्ती किया जाना चाहिए, हर साल कम से कम 80,000 तो भर्ती होने चाहिए। अग्निवीर योजना से पहले, कोरोना से पहले 80,000 सैनिक हर साल भर्ती होते थे, लेकिन पेंशन उसी हिसाब से जा रहे हैं और भर्ती कम किए जा रहे हैं, तो इसलिए सेना के अंदर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये भर्तियां ज़्यादा से ज़्यादा होंगी और एज लिमिट भी बढ़ा दिया जाएगा, 50% आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में आने का, तो आपका सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, दलालों से बचिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।